ओके फ्रेंड, तो आज हम लोग वीडियो ये जो फैंटेसी क्रिकेट का जो सीरीज मैं बना रहा हूँ उसका थर्ड वीडियो पे मैं आ गया हूँ। तो इधर आज हम लोग कल तो आपको देख ही दिया लास्ट वीडियो में, मैं तो ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि आप कहाँ से होस्टिंग वगैरह कुछ ख़रीदना है। ठीक है, तो आज चलो हम लोग खरीद लेते हैं, उस ख़रीदने के बाद उसमें हम लोग को क्या करना है वो भी देख लेते हैं। तो मैं क्या बोला था, ओनो होस्टिंग, ONO होस्टिंग। ठीक है, ओनो होस्टिंग में जाओ आप, ये अच्छा है, मैं यूज़ कर रहा हूँ तो ख़राब नहीं है। तो मैं पहले फ़िलहाल मैं लॉगिन कर लेता हूँ, मेरा आईडी पासवर्ड से मैं लॉगिन कर लेता हूँ। मेरे फ़िलहाल अभी कुछ सर्विस नहीं चल रहा है इसमें, मेरा दूसरे ईमेल आईडी पे चल रहा है पर इसमें नहीं चल रहा है। तो फ़िलहाल मैं शेयर होस्टिंग जा रहा हूँ, मंथली वेब होस्टिंग में मैं जा रहा हूँ, मंथली आप लोग को दिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल। तो ये जो पैकेज है ना 30 रुपीज़ वाला, आप लोग को तो मैं बोला था 60 रुपीज़ का ख़रीदने के लिए, अभी फ़िलहाल मैं दिखाने के लिए आपको कर रहा हूँ। और इसमें ही मैं पूरा एकदम सेटिंग कर लूँगा, क्योंकि देखो मेरा बैंडविड्थ इसमें अनलिमिटेड है और 100 MB के जगह से मेरा अभी काम चल जाएगा। तो और ईमेल एड्रेस मुझे एक लगेगा, डेटाबेस भी एक लगेगा, तो दो करके मिल रहा है, तो इनफ फॉर मी। तो अभी मैं 30 रुपीज़ वाला जो पैकेज है इसमें मैं जा रहा हूँ। ठीक है, तो आई वॉन्ट दिस पैकेज में जा रहा हूँ। तो अभी क्या है, मेरे पास ऑलरेडी डोमेन नेम है। ठीक है, तो FANCRIC फैनक्रिक बोल के मेरा डोमेन नेम है .in, ये ऑलरेडी मेरे पास है। आप लोग ये चक्कर में मत जाना, एकदम डायरेक्ट इधर से XYZ वाला डोमेन नेम ख़रीद लेना, 99 रुपीज़ में मिल जाएगा। ठीक है, ये ऑलरेडी मेरे पास है तो मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, यूज़ कर लिया मैं, अभी क्या बोल रहा है 35 रुपीज़ लगेगा, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, FANCRIC.IN, अभी क्या है चेकआउट के समय कितना लग रहा है देखो, 35.40 और टैक्स लगेगी, 18% टैक्स लगेगी। ठीक है, चेकआउट करता हूँ, चेकआउट करने के बाद मैं पेटीएम से कर दूँगा कंप्लीट ऑर्डर कर रहा हूँ। ये बोल रहा है ये सब कंप्लीट हो गया, अभी पे विथ पेटीएम। ठीक है, अभी मैं मेरा जो फ़ोन नंबर जो है मैं पेटीएम का मैं डाल दिया, प्रोसेस कर रहा हूँ मैं उसमें। प्रोसेस करने के बाद अभी मुझे OTP आ गया है, पेटीएम रिवर्स कॉल, अच्छा 4887449 वेरीफाई HDFC बैंक के 30 रुपीज़ कट के चला गया है। हाँ, क्या हुआ, लॉगिन करता हूँ फिर, पेड देखो पेड हो गया। ठीक है, हो गया, तो मैं फ़िलहाल इसमें ये मुझे नहीं चाहिए, ये सब मुझे नहीं चाहिए, मुझे अभी जाके देखना है मेरा जो मैं जो किया है क्लाइंट एरिया। देखो एक सर्विस मेरा रेडी हो गया। ठीक है, एक सर्विस, कौन सा सर्विस, ये एक्टिव हो गया, FANCRIC.IN वाला मेरा एक्टिव हो गया। ठीक है, अभी क्या करना है, ओके फ्रेंड, तो मेरा जो ये जो एक्टिव है अभी, जो FANCRIC.IN एक्टिव है। ठीक है, अगर मैं इसमें अगर घुसता हूँ तो आप देख सकते हो नीचे दो तीन चीज़ें, इधर आपको तीन चीज़ करना है। ठीक है, एकदम ध्यान से देखना, तीन चीज़ आपको इधर करना है। एक है क्या, आपका डेटाबेस सेटअप करना है इधर। ठीक है, और दूसरा है ये फाइल मैनेजर पे जाना है। ठीक है, दो चीज़ करना है, और तीसरा चीज़ ये फाइल मैनेजर के अंदर जाके करना है। ठीक है, तो मैं फाइल मैनेजर का काम पहले करता हूँ। चलो, फाइल मैनेजर पे मैं क्लिक किया, फाइल मैनेजर खुल गया। देखो अभी इसके अंदर देखो एक फोल्डर है, उसका नाम है public.html। ठीक है, public.html में क्लिक करना है, जो जैसा है इसके अंदर जैसा है वो ऐसा आप छोड़ दो, उसको आपको कुछ नहीं करना है। अभी जबकि इधर मैं आपको कुछ फाइल प्रोवाइड करूँगा, जैसे ये देखो, ये मैं एक फोल्डर खोल के रखा है, ये इसके अंदर देखो एक फैंटेसी क्रिकेट बोल के एक zip फाइल है। ठीक है, इसको आपको उधर अपलोड कर देना है, बस इधर जाके अपलोड कर, देखो अपलोड, इसको लाओ और इसके अंदर इसको छोड़ दो, इसे छोड़ दो, बस देखो इधर अपलोड हो रहा है, ज़्यादा नहीं, 30-40 MB का है फाइल, अपलोड हो रहा है, हो गया। अभी अब जाओ बैक करो, अभी देखो ये वाला देखो आ गया, अभी इसको राइट क्लिक करो और इसको एक्सट्रैक्ट कर लो, एक्सट्रैक्ट कर लो, हो गया क्लोज। ठीक है, ये देखो आ गया,
ये वाला देखो आ गया, एक फैनक्रिक 2 बोल के एक फोल्डर हो गया, और इधर देखो एक index.html इधर आ गया, क्लियर। ठीक है, इसके अंदर जो है जैसा है वैसा रहने दो, कुछ नहीं करना है। इसके अंदर देखो एक फाइल है, फाइल का नाम है conDB, माने डेटाबेस के साथ कनेक्शन DB। इसमें आपको जाना है, इसको एडिट करना है, क्लिक करने के बाद एडिट करना है, और इधर यूज़र ID, पासवर्ड और डेटाबेस नाम इधर आपको डालना है। ठीक है, डालना है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी इधर जाके देखो, ये जो पहली वाला जो जगह था जहाँ से आप ये फाइल मैनेजर पे क्लिक किए थे, उधर देखो एक देखो MySQL डेटाबेस बोल के एक है, MySQL डेटाबेस। इधर से भी आप लॉग इन टू cPanel पे जाके भी आप कर सकते हो, या डायरेक्ट इधर अगर आपको दिखा जाए तो इधर से भी आप कर सकते हो MySQL डेटाबेस। इसमें आप क्लिक करो, क्लिक करने के बाद आपको एक डेटाबेस क्रिएट करना है, सिंपल एक डेटाबेस कुछ भी नाम दे दो, कोई दिक्कत नहीं, एक डेटाबेस क्रिएट करना है, CRICKET DB। ठीक है, ये कुछ भी नाम दे सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं, मतलब क्रिकेट डेटाबेस। ठीक है, क्रिएट कर रहा हूँ मैं, हो गया ये क्रिकेट हो गया, फिर मतलब क्रिएट हो गया, सॉरी गो बैक करता हूँ। देखो ये देखो fancreek_CRICKET क्रिकेट डेटाबेस हो गया। ठीक है, अभी क्या करना है, एक यूज़र आईडी आपको बनाना, यूज़र बनाना है ये डेटाबेस के लिए, एक यूज़र बनाना है, तो यूज़र का ये दे दो CRICKET क्रिकेट USER यूज़र, तो आपको समझने में थोड़ा सुविधा होगा। ठीक है, अभी जेनरेट पासवर्ड कर दो इधर, जेनरेट पासवर्ड हो गया, आई हैव कॉपीड, इसको कॉपी कर लो, Ctrl+C, यूज पासवर्ड। ठीक है, देखो पासवर्ड इधर आ गया। ठीक है, कॉपी कर लिया आप, कुछ जो पासवर्ड था ये आपका आ गया पासवर्ड। अभी क्या करना है आपको, ये जो तीन चीज़ है, ये तीन चीज़ आप इधर एक नोटपैड पे एक नोट डाउन कर लो। पहली बात तो है आपका, सॉरी ये इतना क्यों बड़ा है, पहली बात तो है आपके ये पासवर्ड हो गया। ठीक है, और आपका डेटाबेस नाम, ये हो गया आपका डेटाबेस, क्रिएट यूज़र नहीं किया था, क्रिएट यूज़र कर लो, क्रिएट यूज़र हो गया। अभी आप बैक करो, बैक करने के बाद देखो क्या दिखा रहा है आपको, एक यूज़र दिखा रहा है, और आपका इधर देखो एक डेटाबेस भी दिखा रहा है। तो आपका जो डेटाबेस जो है, वो डेटाबेस का नाम आप इधर से कॉपी कर लो, कॉपी करके वो डेटाबेस, मतलब लास्ट में DB है, मतलब ये डेटाबेस है। ठीक है, और इधर जो यूज़र होगा, यूज़र का भी आप इधर से कॉपी कर लो, सॉरी कहाँ गया यूज़र, ये है यूज़र। ठीक है, Ctrl+C कर लो, और इसको भी आप इधर पेस्ट करके रख दो, मतलब आपका यूज़र हो गया, आपका डेटाबेस हो गया, और डेटाबेस का आपका पासवर्ड भी हो गया। ठीक है, हो गया, ये आप कॉपी कर लिए। अभी क्या करना है आपको, यूज़र से और ये डेटाबेस को जस्ट ऐड कर देना है, और कुछ नहीं, और ऑल प्रिविलेज में क्लिक करके मेक चेंज कर दो। मैं जो जो स्टेप कर रहा हूँ देखो बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं करना है, ये जो चार पांच जो स्टेप मैं दिखाया है कोई भी कर सकता है। हो गया, तो आपका जो मेन जो डेटाबेस जो है वो ख़त्म हो गया, कम्प्लीट हो गया। ठीक है, आपका जो डेटाबेस का जो काम है इधर कम्प्लीट होता है, और इधर आपको डेटाबेस में और कुछ नहीं चाहिए। हो गया, अभी आपको जाना कहाँ है, अभी आपको जाना है ये जगह पे, ये जो मैं जो इधर जो अपलोड किया था, फिर कनेक्शन DB में जाना है, कनेक्शन DB को आपको एडिट में क्लिक करना है, करने के बाद ये जगह ओपन होगा। अभी ये जो अब जो कंप्लीट कर चुका है ना, ये पासवर्ड, ये पासवर्ड को कॉपी करो, और पासवर्ड के जगह पे इसको डाल दो, ये डेटाबेस कॉपी करो, इसलिए नीचे जा रहा था, और इधर से जाके आप यूज़र को कॉपी करो, और यूज़र इसको हटा के यूज़र के जगह आप इसको पेस्ट कर दो, सेव करो। हो गया, तो आपका ये जो आप जो सर्वर लिए हो वो 30 रुपीज़ वाला, 60 रुपीज़ वाला जो भी हो, आपका इधर का काम कंप्लीट हो गया। ठीक है, अभी अगर आप जाके इधर ऐसा fancric.in जब जाओगे, तो ऐसा एक पेज आपके पास आएगा, और मैं ऑलरेडी फाइल मैनेजर पे देखो fancric के अंदर देखो एक एप्लीकेशन डाल दिया है। ये एप्लीकेशन आप जब उनसे बनाओगे तो आपका ये एप्लीकेशन बाकी सब सेम रहेगा, सिर्फ ये वाला सिर्फ चेंज हो जाएगा, ये वाला सिर्फ चेंज हो, इसका नाम चेंज हो जाएगा और इसका वर्जन चेंज हो जाएगा, ये वाला सिर्फ चेंज हो जाएगा। तो कोई भी जाके जब इधर जब जाएगा, ये डाउनलोड बटन में क्लिक करेगा, तो उसको देखो डाउनलोड हो जाएगा, उसका मोबाइल पर डाउनलोड हो जाएगा, फिर वो इंस्टॉल कर लेगा। ठीक है, और एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं भूल गया वो बताने के लिए,
अगर आप इधर जाके देखो, ये जो सी पैनल है ना, सी पैनल के अंदर देखो एक पीएचपी एडमिन हमको मिलेगा। उधर जाने के बाद देखो आपका डेटाबेस बाएं तरफ दिखाई दे रही है। ये जो डेटाबेस जो अभी बनाया क्रिकेट डीबी बोल के, देखो दिखा रहा है, ठीक है। इसमें आपको क्लिक करना है, ये डेटाबेस में डेटाबेस के अंदर आपको क्लिक करना है, ठीक है। ये थोड़ा घूम रहा है, मतलब नेट से कनेक्ट। अभी देखो अभी इंपोर्ट करना है, ठीक है। इस डेटाबेस में तो है कुछ नहीं, ठीक है। अभी आपको इंपोर्ट करना है इस डेटाबेस के अंदर। देखो मैं ऑलरेडी एक फाइल दे रखा हूँ इधर, ठीक है। फैन क्रिक बोल के एक फाइल रख दिया है, ठीक है। ये जो डेटाबेस डीबी बोल के जो ये है, ये इधर आपको इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट पे आप क्लिक करो, चूज फाइल करो। चूज फाइल करने के बाद वो फाइल जहाँ पे आपका आप रखोगे उधर से आपको जस्ट इसको सिलेक्ट करके देना है, बस हो गया। ये आपका कंप्लीट हो गया, बस और कुछ नहीं। अभी फिलहाल जब आप इधर जाओगे तो आपको ऑटोमेटिकली सब कुछ बनाया एकदम रेडी होके मिलेगा पूरा एकदम इधर, ठीक है। सब कुछ इसमें अभी रेडी होके मिलेगा, सब कुछ जो जो अभी गेम दो तीन दिन में हम लोग का जो क्रिएट किया था, जो जो देख रहा था, सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। आपको अभी भी अभी और कुछ भी कॉन्फ़िगर करने का ज़रूरत नहीं है। ये जो हम लोग जो कंप्लीट ऑलरेडी कर चुके हैं, इसमें ये जो थर्ड पार्ट है इसका, ये आप इधर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया है, ठीक है। तो चलो जल्द से जल्द ये जो टक से ये आप लोग कंप्लीट कर लो, ठीक है। और इसका जो फाइल वगैरह सब मैं नीचे दे दूंगा, ये सब आप कंप्लीट करके रखो। इसके बाद मैं चौथा वीडियो जो चार नंबर जो वीडियो आएगा उसमें मेरा गेम कैसे चलेगा और ये इधर कैसे आईडी पासवर्ड आके इधर कैसे सेव होगा, कैसे वो लोग आपका जो यूज़र है वो कैसे इधर उसका रजिस्ट्रेशन करेगा और कैसे वो लोग खेल पाएगा, ये चार नंबर वीडियो में मैं कंप्लीट करके ये सीरीज़ मैं कंप्लीट कर दूंगा आज, ठीक है। ओके चलो, मैं इधर स्टॉप करता हूँ इसको।